हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किसी भी ड्रग को पढ़ने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए एग्जाम टाइम में भी। ऑल्सो जब हम सेल्फ स्टडी करें तो हमें उन पॉइंट्स को हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए, हमेशा ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो लेट स्टार्ट। सो व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग दी स्टडी ऑफ एनी ड्रग्स। किसी भी ड्रग को अगर हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर, तो हमें ये 10 पॉइंट ज़रूर याद रखने चाहिए। वन इज़ कॉमन नेम। उस ड्रग का कॉमन नेम क्या है, आम भाषा में बोला जाने वाला क्या नाम है उसका, और जिसको सिनोनिम के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड इज़ बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में उस प्लांट का साइंटिफिक नेम आता है, साथ ही साथ उस प्लांट के किस पार्ट से हमें वो ड्रग मिल रहा है वो भी आता है। थर्ड पॉइंट इज़ फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है। फोर्थ वन इज़ हैबिटेट, किस जगह पर ज़्यादा ये प्लांट पाया जाता है, कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में ये ज़्यादातर पाया जाता है। फिफ्थ इज़ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसको ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर दे देंगे कन्फ्यूज होने के लिए। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसमें आता है कि वो प्लांट दिखता कैसा है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्स्चर क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, एंड उसके रूट्स कैसे होते हैं, एंड उसके लीव्स कैसे है, ऑबलोंग है या जितने भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं ये सब आते हैं। सिक्स पॉइंट इज़ कल्टिवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। कल्टिवेशन के अंदर आता है हम किस महीने में इस प्लांट को ग्रो करें, या इस प्लांट के लिए इरिगेशन कितना चाहिए, बारिश ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, या हमें जो सॉइल चाहिए वो कैसी चाहिए, लोमी चाहिए या रेड लोमी सॉइल चाहिए या ब्लैक सॉइल चाहिए, ऐसे प्रकार के, या जो ज़मीन है वो खुदी हुई होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। कलेक्शन के अंदर हम किस महीने में इस प्लांट को कलेक्ट करें, काट दें हम और उसे फिर प्रिजर्व करें। प्रिपरेशन में आता है कि कौन सा हम बीज ले इसको बोने के लिए, या तो हमें सख्त लेना चाहिए या सॉफ्ट लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आते हैं कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन में। सेवन पॉइंट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर कौन से केमिकल प्रेजेंट है, या ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, या एल्कलॉइड प्रेजेंट है, या टैनिन प्रेजेंट है, या वैक्स है, या गम है, या रेजिन है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। एट पॉइंट इज केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को जानने के लिए कि वही ड्रग है या नहीं है। एडल्टरेशन आता है मिलावट। मार्केट में क्या किया जाता है कि ड्रग के नाम पर दूसरा ड्रग या जो सस्ते ड्रग्स होते हैं उनको ला के बेचा जाता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखते हैं, केमिकली अलग होते हैं, थोड़े थोड़े से सेम हो सकते हैं उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बट वो बहुत अलग होते हैं। इसीलिए एडल्टरेशन किया जाता है ताकि उनका कॉस्ट, ताकि जो है वो ज़्यादा इनकम पा सके। टेंथ पॉइंट इज थेरापूटिक यूजेस। इसका यूज़ क्या है, इस ड्रग को किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम, लाइक कफ में है या डायरियल है या एंट एसिड है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है थेरापूटिक यूजेस में। सो दीज वर 10 पॉइंट्स जो कि हमने रिमेंबर होने चाहिए किसी भी ड्रग को याद करने में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।